हेलो दोस्तों, आप सभी का इंडियन रिसर्च दिवाकर कालपीर चैनल में स्वागत है। जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले भविष्य में आप तक न्यू वीडियो पहुंच सके। आज मैं इस बीबीगंज कालपीर पंचायत क्षेत्र के सरकार भवन और नरेगा भवन के पास की नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ। बाढ़ आई हुई है और इधर डिगल बैंक प्रखंड भी प्रभावित है इस बाढ़ से, और उसके बाद इधर भी डिगल बैंक बाढ़ से प्रभावित है, पावर हाउस भी प्रभावित है। उसके बाद यह घर सब भी पूर्ण रूप से डूब, यह घर जितना आपके सामने जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, यह बालूबारी नया टोला, यह पूरा घर डूब चुकी है और यह नज़ारा में यह सड़क भी भंग हो चुकी है। यह सरकार भवन के आगे का जो सड़क है, नरेगा भवन के आगे का, वह सड़क भी भंग हो चुकी है और कितनी करेंट प्रवाहित हो रही है, नदी की धारा जो है बहुत तेज़ चल रही है। और मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और यह भारत देश बिहार राज्य और टेढ़ागाछ प्रखंड का या बीबी उत्तर दिशा की और आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, वह देखिए बाढ़ का नज़ारा। उत्तर से आने वाली नेपाल की तराई हिस्सों से पानी आने वाली दिगल बैंक प्रखंड भी पूर्ण रूप से प्रभावित है इस बाढ़ से। बिजली पावर हाउस भी इस बाढ़ से प्रभावित है। आपको दक्षिण दिशा की और बिजली पावर हाउस है वह भी बाढ़ से प्रभावित है। बीबीगंज जो मार्केट का जो मेन पुल है दोस्तों, वह भी अब डूबने ही लायक है, क्योंकि पानी जो है थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है पुल पर। आपको बगल से भी मैं दिखा दूँ, शायद दोस्तों आपको लगे कि नहीं लगे, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे पानी पुल की ऊपर से धीरे धीरे पास कर रही है। 2017 की बाढ़ जो है उसको भी इस बार आगे ठेलते हुए, उससे भी आगे पानी जाते हुए। सर, मेरा नाम दिलीप कुमार बैठ है। सर, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, बाढ़ जो इतना अधिक मात्रा में और पानी की। पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दिलीप कुमार बैठा है, मैं स्थानीय निवासी हूँ और एक शिक्षक के रूप में भी कार्य करता हूँ। मेरी आयु 40 वर्ष की हो गई है। मैंने अपने आयु में अब तक इतनी पानी कनकई नदी की जलधारा में नहीं देखा था। यह कहीं ना कहीं व्यापक रूप से तबाह करने वाली और प्रलयंकारी और अधिकांश लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अब यह पुल के ऊपर से गुजर रही अब तक के अपने सर्वश्रेष्ठ यानी कि खतरे के सबसे अधिकतम निशान को पार कर रही है, हिस्से से बाहर निकल चुकी है। अब तक प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ पर नहीं किया जा सका है बचाव के लिए। 5 और 6-7 नंबर की वार्ड जो है वहाँ के लोगों का संपर्क मुख्य धारा से टूट चुका है। यह है दोस्तों पुल, अब डूबने वाली है कुछ ही समय के बाद, देखिएगा। देखिए पुल पर लगभग में पानी चढ़ ही गया है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं। और देखिए यहाँ जो है पानी का जो इस प्रकार से घूम रहा है, लगता है कि पुल को ले डूबेगा। इसी के साथ मैं दिवाकर, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।